सो गाइस आपने अभी अपनी स्क्रीन पर पिंक इफेक्ट वाली ट्वीट वीडियो देखी है गाइस, ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें काफी ज्यादा व्यूज और लाइक मिल रहे हैं। और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम रील्स यूज करते हो तो गाइस आपने ये वाली वीडियो डेफिनेटली देखी होगी, तो गाइस आपको ये वाली वीडियो जरूर से क्रिएट करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूं, तो गाइस बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप हर स्टेप को अच्छे से समझ सके और आपकी वीडियो परफेक्ट बने। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। सो गाइस वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रीक्वेल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रीक्वेल ऐप जो है हमारा इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने ओपन कर लिया ऐप को, तो गाइस यहाँ पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की साइड, आपको करना क्या है सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में से कोई भी एक वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ जो हमारी वीडियो है वो ऐड हो चुकी है। तो गाइस सिंपली सबसे पहले हमने यहाँ पर वीडियो को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो गाइस यहाँ पर फिल्टर वाला जो ऑप्शन है आपको करना क्या है सिंपली फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। फिल्टर वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको साइड में स्केच से सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर वीन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे हमारी जो वीडियो है उसमें पिंक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो गाइस मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ जो हमारी वीडियो है पिंक इफेक्ट जो है इसमें ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो गाइस सिंपली मैंने यहाँ पर पिंक इफेक्ट को ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है वीडियो को इसमें एक्सपोर्ट कर लेना है, इसलिए ऊपर आपको एरो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक्सपोर्टिंग जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर हमें पूरी एक्सपोर्टिंग होने का वेट कर लेना है। सो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर नीचे सेव वीडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो सेव हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर हम प्रीक्वेल ऐप को यहाँ पर कट कर देंगे। तो गाइस इसे कट करने के बाद गाइस जब आपको फेक ट्वीट वाला जो ऐप है इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे डाउनलोड करने के बाद गाइस इसे अब हम ओपन कर लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने फेक ट्वीट ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको करना क्या है क्रिएट ट्वीट वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या है यहां पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, सबसे पहले वेरीफाई आइकन वाला है, तो गाइस आपको इसे वेरीफाई रहने देना है। उसके बाद गाइस ये जो शो मोर रिप्लाई इसे भी आपको ऑफ कर देना है और शो रीट्वीट को भी यहां पर ऑफ कर देना है। इन्हें ऑफ करने के बाद गाइस यहां पर आपको डार्क मोड वाला ऑप्शन दिखेगा, तो गाइस आपको सिंपली डार्क मोड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे गाइस इस पर क्लिक करोगे हमारा जो ये ट्वीट है ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो गाइस इसे करने के बाद गाइस जब आपको करना क्या है यहाँ जो प्रोफाइल है इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आपको अपनी फाइल्स को ओपन कर लेना है और जो भी आप अपनी गैलरी में से प्रोफाइल को चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर प्रोफाइल को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस प्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे क्रॉप कर लेना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल है ऐड हो चुकी है। उसके बाद गाइस जब आपको करना क्या है यहाँ जो नेम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और अपना कोई भी नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है जो भी आप चाहते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद गाइस यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यूजर नेम को भी आपको चेंज कर लेना है, तो गाइस मैं यूजर नेम को भी चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस यूजर नेम चेंज करने के बाद गाइस जब आपको करना क्या है ये जो ट्वीट है हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये जो लाइन्स है आपको इसे कट कर देना है। तो गाइस मैं इसे कट कर देता हूँ। इसे कट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कोई भी शायरी कोट्स वगैरह जो भी आप चाहो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ जो मैंने कोट्स है उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस अब इसे आपको सेव कर लेना है। इसके लिए ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा कॉर्नर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ जो हमारा ट्वीट है वो सेव हो जाएगा। तो गाइस इसे सेव करने के बाद गाइस इसे भी हमें ऐप को कट कर देना है
और अपने लास्ट स्टेप अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो गाइज मैं काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको 9:16 रेशियो वाला जो फ्रेम है इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइज जो हमने प्रीक्वेल ऐप में अपनी वीडियो में पिंक इफेक्ट ऐड करा है उस वाली वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइज मैंने देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने वीडियो एडिट करी थी उसे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद गाइज अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको लेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर आना है। तो गाइज मैं यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाऊंगा। इस पर आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको मीडिया वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज जो हमने अभी ट्वीट सेव करा है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइज मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर ट्वीट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गाइज जब आपको करना क्या है, नीचे आपको इसे कहीं भी सेट कर लेना है, जहाँ पर भी आप स्क्रीन पर चाहो। इसे सेट करने के बाद गाइज जब आपको करना क्या है, साइड में आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर आ जाना है। क्लिक करने के बाद गाइज इसे आपको थोड़ा कम करके यहाँ पर 70 के आसपास कर देना है। तो गाइज मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया है। कम करने के बाद गाइज जब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और इसकी लेंथ को बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक कर देना है। तो गाइज इस टाइप से हमारी ट्वीट है वो ऐड हो चुका है और हमारी वीडियो परफेक्ट बन गई है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो शुरू से। सो गाइज यहाँ पर हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हमें वीडियो को सिंपली करना क्या है, एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए ऊपर आपको एरो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा कॉर्नर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन दिखेगा। तो गाइज यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोडिंग पूरी होती है हमारी जो वीडियो है डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।